नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में। और दोस्तों, यहाँ पे DLED को लेके जो बड़ी जो खबर आ रही है, जिसको सुन के कि आप यहाँ पे चौंक जाएंगे। और ये खबर जो NIOS से नहीं है, ये जो है बिहार के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जहाँ पे कि DLED कराया जा रहा था। और यहाँ पे देखें तो जो सारे शिक्षक जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका जो सत्र था वो 2014 से 16 और 15 से 17 था, लेकिन इन सबों का यहाँ पे अभी तक एग्जामिनेशन नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में जो कि बोर्ड के द्वारा बोला गया है, जिसको सुन के कि आप यहाँ पे चौंक जाएंगे, तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। दोस्तों, ये हिंदुस्तान के ई न्यूज़पेपर के माध्यम से जानेंगे। इसमें देखें तो हेडलाइन जो दिया गया, प्रदर्शन कर रहे DLED शिक्षकों पर केस। तो और नीचे देखें तो डिटेल में जो लिखा गया, DLED रेगुलर मोड का प्रशिक्षण पूरा कर चुके शिक्षकों ने बिहार विद्यालय परिषद समिति कार्यालय के सामने गुरुवार को अर्धनग्न प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे जो भी शिक्षक थे, सबों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था बिहार बोर्ड के बाहर। इन लोगों का कहना था कि उनकी पढ़ाई समाप्त हो गई, लेकिन समिति परीक्षा नहीं ले रही है। तो इन सबों का जो यहाँ पे कहना था, इन सबों की पढ़ाई समाप्त हो गई है, लेकिन समिति के द्वारा यानी बोर्ड के द्वारा जो है इसका एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा है। और जो भी शिक्षक यहाँ पे पहुंचे थे, तो इन सबों का जो सेशन था, इसका सेशन जो है 2014 से 16 था और 15 से 17 था, यानी कि इन सेशन के शिक्षक जो यहाँ पे मौजूद थे। और आगे लिखा, हंगामा को बोर्ड ने गंभीरता से लेते हुए प्रदर्शन करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। तो यहाँ पे देखिए, जो भी शिक्षक पहुँचे हुए थे, तो बोर्ड ने गंभीरता से इस चीज़ को लिया और जो भी शिक्षक थे, इन सबों के ऊपर जो प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। और नीचे लिखा है, प्रदर्शनकारियों में सत्र 2014 से 16 और 15 से 17 के शिक्षक शामिल हैं। तो यहाँ पे जो भी शिक्षक पहुँचे थे, जो भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन सबों का सत्र जो है 2014 से 16 था और 2015 से 17 था। इन लोगों का कहना था कि ये लोग ट्रेनिंग कॉलेज से विरमित हो चुके हैं, बावजूद परीक्षा नहीं ली जा रही है। तो इन सबों का यहाँ पे कहना था कि ट्रेनिंग जो है इन सबों के कॉलेज से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इन सबों का एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा है। इससे लगभग 20,000 शिक्षक प्रभावित हैं। तो इन सब चीज़ों से, जिसका कि एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, तो इससे लगभग जो है 20,000 शिक्षक जो यहाँ पे प्रभावित हैं कि 20,000 शिक्षक ने 2014 से 16 और 15 से 17 में यहाँ पे ट्रेनिंग लिया था, लेकिन इन सबों का एग्जामिनेशन अभी तक नहीं लिया जा रहा है। समिति के सचिव अनूप कुमार सिन्हा ने बताया कि DLED कोर्स जिन शिक्षक संस्थानों से होता है, उसे बोर्ड संबद्धता नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार बोर्ड के जो भी सचिव हैं अनूप कुमार सिन्हा जी, उनका यहाँ पे कहना है कि जो भी इंस्टीट्यूट से ये लोग DLED किए थे, तो उनका यहाँ पे एफिलिएशन जो है बोर्ड के द्वारा नहीं है। और आगे लिखा है, ऐसे में DLED कोर्स की परीक्षा समिति द्वारा संचालित नहीं की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, बोर्ड के जो भी अध्यक्ष हैं अनुप कुमार सिन्हा जी, उनका यहाँ पे ये भी कहना है कि ऐसे संस्था जिनका कि एफिलिएशन नहीं है, तो उनका जो परीक्षा का संचालन है वो बोर्ड के द्वारा नहीं होता है। ऐसे में समिति के मुख्य गेट पर हंगामा करना सही नहीं है। बिहार बोर्ड ने उन तमाम DLED अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई है जिन्होंने गुरुवार को समिति परिसर के बाहर हंगामा किया है। तो यहाँ पे जो भी शिक्षक पहुँचे थे, तो उन सबों पे यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज भी कराया गया है। और आगे लिखा है, इन अभ्यर्थियों के भविष्य में आयोजित DLED परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये भी बोला गया है कि यहाँ पे जो भी शिक्षक पहुँचे हुए थे, तो उन सबों के भविष्य में जो आगे जो भी DLED का एग्जामिनेशन होगा, तो उन सबों को उसमें सम्मिलित होने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन बातें जो निकल के आ रही है कि 2014 से 16 और 2015 से 17 सत्र के जो भी शिक्षक थे, जो भी DLED कर रहे थे, तो उन सबों का यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा था, जिसके कारण कि इन लोगों ने यहाँ पे हंगामा किया था। लेकिन जो भी बोर्ड के अध्यक्ष अनुप कुमार सिन्हा जी, उनका यहाँ पे कहना है कि जिस इंस्टीट्यूट से, जिस संस्थान से ये लोग DLED किए हुए हैं, तो उस इंस्टीट्यूट का या फिर उस संस्थान का जो है यहाँ पे बोर्ड के द्वारा एफिलिएशन नहीं है, जिसके कारण कि बोर्ड के द्वारा उसका एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा। तो ये यहाँ पे बड़ा अपडेट था। और आगे देखें तो ऊपर जो लिखा गया, आक्रोश, भविष्य में DLED परीक्षा में शामिल नहीं करने की चेतावनी, प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद भी परीक्षा नहीं लेने का आरोप। और नीचे लिखा है, TT अभ्यर्थी पर भी बोर्ड ने कराई प्राथमिकी। बिहार बोर्ड ने बुधवार को हंगामा करने वाले TT अभ्यर्थियों पर भी प्राथमिकी करवाई है, इन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी को सारा कुछ समिति रद्द कर देगी। तो बोर्ड के बाहर जो यहाँ पे TT के अभ्यर्थियों के द्वारा भी हंगामा किया गया था, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज करने का बात कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी शिक्षक पहुँचे हुए थे, DLED के शिक्षक पहुँचे हुए थे बिहार बोर्ड के बाहर, जिन्होंने कि यहाँ पे हंगामा किया था, लेकिन यहाँ पे बोर्ड के द्वारा ये साफ बोल दिया गया है कि वो जिस इंस्टीट्यूट से यहाँ पे DLED किए हुए हैं, उसका यहाँ पे एफिलिएशन नहीं था, जिसके कारण कि बोर्ड के द्वारा उसका एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, मुझे ये तो पता नहीं है कि ये लोग किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, या फिर उसका एफिलिएशन है या फिर नहीं है, लेकिन जो कि बोर्ड के द्वारा बोला जा रहा है कि उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे एफिलिएशन नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप DLED कर रहे हैं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से यानी प्राइवेट संस्थान से, तो पहले आप चेक कर लें कि उस इंस्टीट्यूट का यानी उस कॉलेज का जो है यहाँ पे एफिलिएशन है या फिर नहीं है। ऐसा ना हो कि आप बाद में DLED की डिग्री ले लें, लेकिन उसका जो कहीं पर मान्यता ही प्राप्त ना हो, तो ऐसा ना हो, इसीलिए आप पहले चेक कर लें कि आप जिस बोर्ड से जो है यहाँ पे DLED कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का बड़ा अपडेट जो है DLED को लेकर। और दोस्तों, आगे जो भी अपडेट आता है, आपको इसी तरह से वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो साथ बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं
नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलता है एक नए वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।